इंडिया इंग्लैंड के मैच खत्म होने के दो दिन बाद थर्ड एम्पायर ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों, नो गेंद पे आउट हुए थे सूर्यकुमार यादव। आप भी जानना चाहते हो क्या है पूरी खबर, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम ने 5 लीग मुकाबले खेले, 5 में से 4 लीग मुकाबले जीत करके पॉइंट टेबल में टॉप किया और 8 पॉइंट के साथ भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना हुआ इंग्लैंड की खतरनाक टीम से, जिसमें टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए 6 विकेट खोने के बाद 20 ओवर में, जिसमें हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 63 रन की पारी खेली और वहीं विराट कोहली ने 50 रन लगाए। दोस्तों, अगर सूर्यकुमार यादव 30-40 रन बना जाते तो दूसरे के स्कोर ये पार चला जाता, फिर भारतीय टीम का हारना इम्पॉसिबल था। सूर्यकुमार यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ 10 गेंदों में 14 रन की पारी खेली और आदिल रशीद ने पी सॉल्ट के हाथों इनको कैच आउट करवा दिया और पवेलियन भेज दिया। मगर दोस्तों, मैच खत्म होने के दो दिन बाद जब ये देखा गया तो थर्ड एम्पायर ने पाया कि भाई वो गेंद तो नोबॉल थी जो आदिल रशीद ने कराई थी। दोस्तों, उनका पैर आगे निकल चुका था लाइन से। मगर दोस्तों, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, भारत पूरी तरीके से बाहर हो चुका है।